हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 59। इसमें देखिए भी कॉम्पिटेंसी है कंपोजर शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, पहले पढ़ने पर देखो, डिस्कस द योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, इस पिक्चर में क्या घटित हो रहा है, और 4 से 6 तक आपको सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ पर देखो भी एक टीचर है, वो किताब ले रखी है, वो शायद क्या कर रहा है अभी, प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों से। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, जिनको क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपना हाथ ऊंचा उठा रहे हैं उत्तर देने के लिए। और यहाँ पर दो बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर एक लड़की है, उनको शायद रोकने की कोशिश कर रही है कि बातें मत करो आप। देखो भी आपको 5-6 सेंटेंस लिखने, आप कोई लिख सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ए टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, एक अध्यापक है वो क्या कर रहा है क्लास में, पढ़ा रहा है। द टीचर इज आस्किंग सम क्वेश्चन टू द चिल्ड्रन, अध्यापक है वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है किसी भी बच्चों से। सम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग ईच अदर, कुछ विद्यार्थी आपस में क्या कर रहे हैं अभी, बातें कर रहे हैं। अगला सम स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स टू रिस्पॉन्ड, कुछ विद्यार्थियों ने अपना हाथ ऊपर उठाया है, रेज्ड होता है उठाया हुआ है, टू रिस्पॉन्ड उत्तर देने के लिए, जो अध्यापक प्रश्न पूछ रहा है उनके उत्तर देने के लिए बच्चों ने हाथ ऊपर उठा रखा है। ए गर्ल इज ट्राइंग टू स्टॉप द बॉयज, एक लड़की है वो उन दो बच्चों को रोकने की कोशिश कर रही है। हु आर टॉकिंग मीन वाइल, उसी दौरान जो क्या कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बीच में, इसे आप और सेंटेंस में लिख सकते हो कि लड़के हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे क्या हैं अभी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इस प्रकार आप नए सेंटेंस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्कशीट है 60 अपनी, इसमें कॉम्पिटेंसी है इनफर द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग देम इन कॉन्टेक्स्ट। अब देखो भी, लेट्स लर्न सम मोर न्यू वर्ड्स, आपको कुछ नए शब्द सीखेंगे हम, एंड मेक न्यू सेंटेंस फ्रॉम देम, और नए सेंटेंस बनाएंगे। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, आप टीचर की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर क्या है, अभी सूर्य दिखाया गया, एक लड़का धूप में बैठा हुआ है, पसीना आ रहा है उसको। इट इज वेरी ह्यूमिड टूडे, आज बहुत ही नमी, आज क्या अभी बहुत नमी है। तो आप कह सकते हो कि झालावाड़ इज द ह्यूमिडेस्ट सिटी इन राजस्थान, राजस्थान का सबसे आद्र जिला कौन सा है, अभी झालावाड़ है। अगला देखो भी, यहाँ पर एक दिखाया हुआ है पिक्चर, दिस इज ए मैंगो ग्रोव, ये क्या अभी एक आम का बगीचा है। तो आप लिख सकते हो देयर आर मेनी ट्रीज, यहाँ पर बहुत से पेड़ हैं। और भी सेंटेंस लिख सकते हो आप जो आपके अच्छे लगते हो। यहाँ पर है देर आर 3 एग्स इन द नेस्ट, घोंसले में क्या है अभी 3 अंडे हैं। तो आप लिख सकते हो द नेस्ट इज ऑन द ट्री, घोंसला है वो कहाँ पर, पेड़ के ऊपर है। तो आप नेक्स्ट जो शब्द थोड़ा गहरा किया हुआ है इसको लेकर भी आप सेंटेंस बना सकते हो। ये क्या अभी डॉग है, माय डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, मेरे कुत्ते के क्या पूंछ, छोटी पूंछ है। बट द मंकी हैज ए लॉन्ग टेल, पर तो बंदर वो क्या रखता है अभी, लंबी पूंछ होती है उसके। आपको नेक्स्ट शब्द से भी नए सेंटेंस बना सकते हो आप। यहाँ पर देखो भी, दैट हाउस लुक्स बिट वंडरफुल, ये घर बहुत सुंदर दिखता है। तो देर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने क्या है अभी एक पेड़ है, आप ले सकते हो। देर इज ए वंडरफुल ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यहाँ वंडरफुल जोड़ दो आप। यहाँ पर क्या अभी, इट इज ए डीप रिवर, ये एक गहरी नदी है। डीप शब्द का प्रयोग भी आप कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो देर आर देर मे बी मैनी फिशेज इन द रिवर, नदी में बहुत सी मछलियां हैं। और इन द रिवर इन डीप, गहराई में, इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्कशीट है 61, कॉम्पिटेंस ये राइट्स फ्यू सेंटेंसेज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस्ड। ऑब्जर्व फोर डिफरेंट ट्रीज, आपको 4 अलग अलग पेड़ों का ऑब्जर्व करना है। यू सी नियर योर स्कूल और विलेज, आप जहाँ अपने स्कूल के नज़दीक या गांव के नज़दीक देखते हो। फिल इन द डिटेल्स इन द गिवन टेबल, नीचे टेबल लिए वहाँ पर उनकी जानकारी भरनी है आपको। एंड शेयर इट विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, और उसको अपने दोस्तों और अध्यापक के मध्य शेयर करना है, बांटना है। यू कैन यूज वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। एंड राइट लोकल नेम ऑफ ट्री इफ यू विश, अगर चाहते हो तो आप लोकल जो आपके पेड़ होते हैं उनका भी नाम लिख सकते हो। नेम ऑफ द ट्री, जैसे मैंगो ट्री।
यहाँ पर आप पेड़ को नाम लिखोगे, वेयर डिड यू सी दिस ट्री, आपने इस पेड़ को कहाँ देखा, आप कहोगे आई, ये यू है ये चेंज हो जाएगा, आई डिड को हटाओगे तो यहाँ सा, आई सा दिस ट्री, दिस ट्री इन गार्डन, बगीचे में देखा। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर बनानी है, ड्राई पिक्चर ऑफ ए लीफ ऑफ द ट्री, पेड़ है उसकी पत्ती की तस्वीर बनानी है आपको, लीफ की, मैंगो जो पेड़ होता है उसकी पत्ती कैसी होती है यहाँ पर बनाना है। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रीज, आपको यहाँ पर ट्री के बारे में कुछ जानकारी देनी है। जैसे मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट, मैंगो है वो अपना एक राष्ट्रीय फल है। इट इज वेरी जूसी एंड डिलिशियस, ये बहुत ही जूस से भरा होता है और स्वादिष्ट होता है। ये तो मैंने फल की जानकारी दे दी, आपको यहाँ पर पेड़ की जानकारी दे देना आप। ये जो पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, मैंगो ट्री इज वेरी बिग। अगला देखो अभी एप्पल ट्री, ये काम मिलेगा अभी, आप लिखोगे आई सा दिस ट्री इन गार्डन या इन जंगल या इन स्कूल, जो भी जहाँ पर भी आप देखते हो लिखोगे यहाँ पर एक उस पत्ती है एप्पल ट्री की, उसकी तस्वीर बनाओगे। एन एप्पल ट्री इज ए वेरी बिग, एप्पल का जो पेड़ होता है वो बड़ा होता है। इट इज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, सेव का जो पेड़ होता है वो कहाँ मिलता है, अभी उत्तरी भारत में पाया जाता है। जैसे नीम ट्री, इन आप क्या लिखोगे भी आई सा इट इन स्कूल, मैंने इसको कहाँ देखा, अभी स्कूल में देखा। देर आर मैनी नीम ट्री ट्रीज इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में बहुत से नीम के पेड़ हैं। इट गिव्स अस शेड, वो हमें छाया देते हैं एंड फ्रूट्स फल देते हैं। आप लिख सकते हो पीपल ट्री, पीपल ट्री आपने कहाँ देखा भी, आई सा इट इन विलेज, गांव में देखा। आई सा इट इन विलेज, इट इज ए रिलीजियस ट्री, ये एक धार्मिक पेड़ है, पीपल ट्री क्या भी एक धार्मिक पेड़ है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर विलेज पीपल, गांव के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।